हाय बायो रीडर्स, मैं हूं नैना और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोल्ट्री के बारे में। पोल्ट्री उन सारे पक्षियों को एक साथ कहते हैं जिनका फ्लैश और एग हमारे काम आता है, जैसे कि डक, टर्की एंड गीज। इस पोल्ट्री वर्ल्ड में 70% कंट्रीब्यूशन जो है वो चिकन का ही है, इसीलिए इस आगे स्लाइड में हम जानेंगे सिर्फ चिकन के बारे में, क्योंकि मेनली ये पोल्ट्री जो इंडस्ट्री है उसमें कंट्रीब्यूशन चिकन का है। आइए जान लेते हैं मुर्गियों के कुछ फैक्ट्स के बारे में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुर्गियों की मेमोरी पावर बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए वो चाहे अपने घर से कहीं भी चले जाएं, वापस आसानी से अपने घर लौट आते हैं। और जैसे कि ह्यूमंस में फैमिली में सोशल ऑर्डर होता है कि जो सबसे बड़ा होता है या ओहदा में सबसे ऊँचे रहते हैं उसकी बातें सारे मानते हैं, वैसे ही मुर्गियों में भी जिसका ओहदा सबसे ऊंचा होता है उसकी बातें सारी मुर्गियां मानती है। मुर्गियों के पास भी कलर्ड विजन होता है जैसे कि हमारे पास, तो मुर्गियां भी सारे कलर को अच्छे से पहचानती है, अच्छे से देख पाती है। गाय और भैंसों की तरह उनके पास ब्लैक एंड वाइट सिर्फ नहीं होता, बाकी सारे कलर्ड विजन इसके पास होते हैं। इनमें रिकॉग्निशन पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, ये 100 से भी ज़्यादा चेहरे को पहचान सकते हैं, जिसमें कि ह्यूमन भी इंक्लूडेड हो सकते हैं जो उनको पालते हैं या जो उन्हें खाना देने जाते हैं, वो उन्हें आसानी से पहचान सकती है। मुर्गियों से भी कुछ लोगों को डर लगता है और उस डर का नाम है एलेक्टोरोफोबिया। मुझे तो नहीं है, क्या आपको है एलेक्टोरोफोबिया? अगर है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अब देख लेते हैं कुछ मुर्गियों को पहचान लेते हैं जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पोल्ट्री इंडस्ट्री में, जिनका पालन किया जाता है अंडों के लिए और मांस के लिए। तो ये है मिनॉर्का, ये है असील, ये है न्यू हैम्पशायर और ये आ रहा है ब्रामा। ये सुंदर है ना देखने में। ये है कोचीन और ये है रोड आइलैंड रेड। भारत में जिन घरों में मुर्गियां पालते हैं उसमें ये रोड आइलैंड रेड बहुत ही कॉमन है। अब पोल्ट्री कितने तरह की होती है? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के आधार पे ये 3 तरह की होती है, लेइंग ब्रीड, टेबल ब्रीड एंड ड्यूअल ब्रीड। तो जो मुर्गियां सिर्फ अंडे देने के लिए यूज़ होती है, मतलब जो ज़्यादा अंडे देती है वो है लेइंग ब्रीड, और जो मांस के लिए यूज़ होती है वो है टेबल ब्रीड, और जो दोनों के लिए यूज़ होती है वो है ड्यूअल ब्रीड। तो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा लाइट ब्रीड एंड हेवी ब्रीड। लाइट ब्रीड मतलब जिसका वेट कम होता है वो लाइट ब्रीड, और जिसका वेट ज़्यादा होता है वो हेवी ब्रीड। तो असील, ब्रामा, कोचीन, प्लाईमाउथ ये वजन में ज़्यादा होते हैं इसीलिए हेवी ब्रीड, लेकिन लेगहॉर्न जो है वो हल्का होता है तो लाइट ब्रीड। मुर्गियां अपने अंडों को सेती हैं कि नहीं, इस बेसिस पे उनको 2 भाग में बांटा जाता है, सीटर एंड नॉन सीटर। बंगाली में अंडे सेना मतलब ता देना, ता देवा। तो जो मुर्गियां अंडे सेती है उस पर बैठ के वो है सिटर। तो ब्रामा, कोचीन इस तरह के सिटर मुर्गी हैं, और लेगहॉर्न जो है वो नॉन सिटर है, मतलब वो अंडे देके अपना घूमती फिरती रहती है, उसको सेने की ज़रूरत नहीं है। अब पोल्ट्री फार्मिंग के 2 तरह होते हैं, सबसे फेमस 2 तरह होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा मेथड होता है, लेकिन इंडस्ट्री में यूज़ होने के लिए जो मेथड यूज़ होते हैं वो है बैटरी मेथड एंड डीप लिटर मेथड। जानते हैं ये क्या है? बैटरी मेथड में मुर्गियों को केज में रखा जाता है, वहाँ पे उन्हें बहुत कम स्पेस मिलती है जहाँ वो अच्छे से मूव नहीं कर पाते, बस उन्हें थोड़ी सी घूमने और खड़े होने की जगह होती है, वहीं उन्हें खाना और पानी दे दिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि उनका जो खाना है वो ज़्यादा बॉडी ग्रोथ में लगे और उनका एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना हो। और ये मेथड इसीलिए टेबल ब्रीड के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ जो ये अंडे देते हैं वो एक इंक्लाइंड एरिया रहता है जिससे अंडे लुढ़क के बाहर आ जाते हैं और वहाँ से अंडे को कलेक्ट कर लिया जाता है।
अब आते हैं डीप लिटर मेथड में। लिटर मतलब कचड़ा, तो ओपन स्पेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है फार्मिंग के लिए, वहाँ पे ये मेथड यूज़ किया जाता है। 20 सेंटीमीटर का अप्रॉक्स एक बेड तैयार किया जाता है, जिसमें कि लकड़ी का चूरा हो सकता है, पत्ते हो सकते हैं, मुर्गियों के लिए खाने के लिए दाने हो सकते हैं, और पुआल हो सकता है। ये सबसे एक बेड बनाया जाता है और मुर्गियों को वहाँ पे रहने के लिए दिया जाता है। उन्हें बीच बीच में खाना दे दिया जाता है, जहाँ पे ये देख रहे हैं, ये इनके पीने और खाने की जगह है, और पूरा बेड में भी उनके लिए दाना छोड़ दिया जाता है। और ऊपर का जो लेयर है लिटर का, वो अगर ज़्यादा डिग्रेड हो जाए और उसमें दाने खत्म हो जाए, तो उसे थोड़े थोड़े दिन में चेंज किया जाता है। हाँ, ये डीप लिटर मेथड में अंडे देने के लिए अलग से जगह बनाए जाते हैं, जहाँ पे मुर्गियाँ जाके अंडे देती है और वहाँ से अंडों को कलेक्ट कर लिया जाता है। और ये डीप लिटर मेथड ज़्यादातर लेइंग ब्रीड के लिए यूज़ होता है। अब आते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ चिकन। तो चिकन, हमें पता है कि एनिमल्स से प्रोटीन ही ज़्यादा मिलता है, तो प्रोटीन, फैट और मिनरल्स में आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटाशियम, और विटामिन में विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, डी और ई। अब आते हैं एग का क्या है न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो एग में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन रहता है, आपने तो वो सुना ही होगा एड, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल इसमें रहता है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, सोडियम, पोटेशियम, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन ए, बी, डी, ई पाया जाता है, उसके अलावा भी विटामिन B2, जिसको राइबोफ्लाविन कहते हैं, विटामिन B6 मतलब बायोटीन, और विटामिन B12 मतलब कोबालामाइन, एंड विटामिन B3 मिनियासिन। और मैंने यहाँ एक गलत बोला, B6 मीन फोलिक एसिड। ब्रॉयलर, ब्रॉयलर का नाम आपने सुना ही होगा, और घर में जो चिकन ज़्यादातर बनता है वो ब्रॉयलर ही बनता है। तो ब्रॉयलर एक तरह का हाइब्रिड पक्षी है, जो कि 1930 में ब्रीड करके बनाया गया था। किसके किसके बीच में, कार्निश मेल एक मुर्गी है और प्लाईमाउथ फीमेल जो मुर्गी है, मतलब कार्निश का मेल लिया गया और प्लाईमाउथ का फीमेल लिया गया, उससे जो हाइब्रिड बर्ड बना वो है ब्रॉयलर। तो ये इतना फेमस क्यों हो गया? ये फेमस इसलिए हो गया क्योंकि ये बहुत जल्दी वेट गेन कर लेता है और मार्केटिंग के लिए तैयार हो जाता है, और ये सिर्फ 5 से 6 सप्ताह ही लेता है इस वेट को गेन करने के लिए। यहाँ की देसी मुर्गियों को, मतलब जो नॉर्मल ओरिजिनल वेराइटीज़ है, वो 12 से 13 वीक ले लेती है बड़े होने के लिए, इन डिज़ायरेबल वेट गेन करने के लिए। इसीलिए ब्रॉयलर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है पोल्ट्री फील्ड में। अब जान लेते हैं मुर्गियों का दुश्मन कौन है, मतलब कौन कौन सा डिजीज उन्हें तंग करता है। तो पहला है फाउल पॉक्स, तो ये एक वायरल डिजीज है। पॉक्स जैसे हमें होता है, वैसे ही उनको भी होता है, और वायरस से ही होता है, और ये फैलता है कीड़ों को के काटने से, एक दूसरे में फैलता है उनमें। और बर्ड फ्लू का नाम आपने सुना ही होगा, इसकी वजह से वो तो बीमार होते ही हैं, और ये मनुष्यों को भी बीमार कर देता है। ये भी एक वायरल डिजीज है, जिस वायरस का नाम है H5N1। इसके अलावा भी मुर्गियों को पालन करते समय जो उनको एंटीबायोटिक दिया जाता है, ये घाव से बचने के लिए, तो उनमें बहुत ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा रहती है, और आर्सेनिक ह्यूमन के लिए बहुत ही टॉक्सिक एंड हार्मफुल है। उसके अलावा ये छोटे छोटे पंखों की वजह से एलर्जी होती है, तो एस्मा बहुत देखा जाता है, जो मुर्गियों के पालन में एकदम डायरेक्टली जुड़े रहते हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं, उनमें एस्मा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो ये ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है, मेन मुर्गी पालन से रिलेटेड एक डिजीज़ है। अब बारी आती है एक्स्ट्रा शॉट ऑफ द डे की, और जिसका मुझे भी बहुत ही इंतज़ार रहता है कि मैं कब एक अच्छा फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूं। तो जैसे कि अभिमन्यु का नाम आपने सुना ही होगा महाभारत में, जो कि माँ के गर्भ से ही बातें सुन लेता था, और चक्रव्यूह को तोड़ना कैसे है वो उसने जान लिया था, वैसे ही मदर चिकन जो है, मदर मुर्गी, वो अपने अंडों से बात करती है और अलग अलग आवाज़ों में उनके साथ
बात करके उनको ये पहचान दे देती है अपना कि कौन उसकी मदर है, ताकि जब अंडे से बच्चे निकले तो उन्हें पहले से ही पता हो कि उसकी माँ कौन है, और ये उनके डेवलपमेंट में और अंडे से बाहर निकलने में भी मदद करती है ना इंटरेस्टिंग? थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।